Hello dear friends, welcome to my channel Like Pharmacy. Today we are discussing about some questions of human anatomy and physiology. तो सबसे पहले जो मैंने चैप्टर लिया है वो आज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर है. तो वन बाय वन हम जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेल मेम्ब्रेन इज बाई लेयर ऑफ. जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन, फॉस्फोलिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड म्यूकोपेप्टाइड्स, ये ऑप्शन से हमारे सामने. जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसकी बनी होती है. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज. मेनली जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो सेल के अंदर किस पार्ट्स के अंदर होता है? तो हमारे सामने ऑप्शन हैं गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस. ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं. तो इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा राइबोसोम्स. जो मेनली जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल के अंदर वो राइबोसोम्स के अंदर होता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइट ब्लड सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस. इट मीन्स हमारे सामने ऑप्शन हैं बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेसोफिल्स. वो इस तरीके से जैसे कि मैं डिस्कस करूँ वाइट ब्लड सेल्स के बारे में. तो वाइट ब्लड सेल्स को हम टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. तो ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हमारी जो पार्ट्स कवर होते हैं वो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हमारी न्यूट्रोफिल्स आती हैं, ईओसिनोफिल्स आती हैं एंड बेसोफिल्स आती हैं. और एग्रोनोसाइट्स के अंदर हमारी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. तो इसका आंसर क्या है? बेसोफिल्स. तो इसका ये क्या है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ब्लड सर्कुलेशन इज. कि जो आरबीसी की लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है? आरबीसी का जो डे है वो कितना होता है, कितने दिन तक वो जीवित रह पाती है? तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन 12 डेज, 21 डेज, 210 डेज एंड 120 डेज. आप लोगों को सबको पता भी है तो इसका आंसर क्या है 120 डेज. देखिए आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है सब लोग जानते हैं. आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज. मैंने इसी से डब्ल्यूबीसी का निकाला है. डब्ल्यूबीसी का हम निकालेंगे तो यहाँ से हम 12 ले लेंगे और यहाँ से हम 20 ले लेंगे. तो उसका आंसर रह जाएगा 12 to 20 डेज. ये लाइफ स्पैन हो जाएगी किसकी? डब्ल्यूबीसी की. उसी तरीके से मैं नेक्स्ट डिस्कस करूं प्लेटलेट्स के बारे में कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका काउंट इतना होता है. जैसे कि मैंने डिस्कस किया 120 डेज आरबीसी के बारे में, ठीक है. उसके बाद मैंने नेक्स्ट डिस्कस किया डब्ल्यूबीसी के बारे में. तो डब्ल्यूबीसी मैंने यहीं से लिया 12 to 20 डेज. अब हमें डिस्कस करना है प्लेटलेट्स के बारे में कि जो प्लेटलेट्स है उसका काउंट कितना होता है. तो देखिए इसमें से ही मैं इसको घटा देता हूँ. 12 में से 20 अगर घटाते हैं तो हमारे पास बढ़ता है 8. तो यहीं से मैंने लिया है जो प्लेटलेट्स हैं उनका काउंट होता है 7 to 9 डेज. दैट्स वेरी सिंपल. आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन द हॉर्मोन एरिथ्रोपोइटिन इज सीक्रेटेड बाई. जो एरिथ्रोपोइटिन हॉर्मोन है वो किसके थ्रू सीक्रेट होता है? जो एरिथ्रोपोइटिन हॉर्मोन है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है. एरिथ्रोपोइटिन जो हॉर्मोन है वो किसके थ्रू सीक्रेट होता है? तो इसके अंदर ऑप्शन है लीवर, बोन मैरो. एक ऑप्शन गलत हो गया है इसका. ये फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन बोन मैरो, थर्ड ऑप्शन हार्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज किडनी. ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा किडनी. जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो किडनी के थ्रू क्या होता है? सीक्रेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर इज ओ. इसका राइट आंसर रहेगा ओ. तो इसका राइट आंसर क्या है? ओ. ओ मीन्स ओ नेगेटिव. ओ नेगेटिव इज ए यूनिवर्सल डोनर. एंड द ए बी पॉजिटिव इज
यूनिवर्सल एक्सेप्टर एक्सेप्टर इस क्वेश्चन के अंदर ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर इज, हमारे सामने ऑप्शन हैं हैगमैन फैक्टर, कैल्शियम फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका आंसर रहेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन इज ए टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ल्यूकोसाइटोसिस इज करैक्टराइज बाय, इट मींस जो ल्यूकोसाइटोसिस है, ल्यूकोसाइटोसिस मींस WBC, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि साइटोसिस मींस जहां लग गया, तो इट मींस काउंट इंक्रीज होना, ठीक है, क्योंकि हम WBCs को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स WBCs को हम बोलते हैं मेनली, ठीक है। और जो RBCs होती हैं, RBCs उनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। तो यहाँ इसने क्वेश्चन पूछा है ल्यूकोसाइटोसिस, SIS मींस फॉर्मेशन, या फिर मैं कहूँ इंक्रीज होना। तो इट मींस हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज काउंट ऑफ WBC, डिक्रीज काउंट ऑफ WBC, मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ WBC, इंक्रीज काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स तो ये इसका आंसर रहेगा नहीं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ल्यूकोसाइटोसिस मींस इंक्रीज होना, तो इंक्रीज ऑफ WBC हमने कहाँ से लिया है, क्योंकि ल्यूकोसाइटोसिस है और WBCs को हम बोलते हैं मेनली ल्यूकोसाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंक्रीज काउंट ऑफ WBC इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर WBC का काउंट क्या होना, इंक्रीज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ल्यूकेमिया इज करैक्टराइज बाय, जो ल्यूकेमिया होता है वो क्या होता है, ल्यूकेमिया एक तरीके का कैंसर होता है, ल्यूकेमिया एक जो उसको हम क्या बोलते हैं, ये कैंसर है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है हमारे पास इंक्रीज WBC काउंट। अब देखिए WBC काउंट इंक्रीज हो रहा था, उसको तो मैं क्या बोल रहा था, ल्यूकोसाइटोसिस हम लोगों ने इसको बोला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि ल्यूकेमिया मींस, इसके अंदर ऑप्शन है इंक्रीज WBC काउंट, डिक्रीज WBC काउंट, मेलिग्नेंट प्रोलिफिकेशन ऑफ WBC एंड डिक्रीज काउंट ऑफ RBC एंड प्लेटलेट्स। तो ये WBC रिलेटेड है, तो ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेलिग्नेंट प्रोलिफिकेशन ऑफ WBC, WBC का क्या होना, प्रोलिफिकेशन होना। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन थर्ड मेलिग्नेंट प्रोलिफिकेशन ऑफ WBCs। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। ए सेल विदाउट न्यूक्लियस इज, ये पूछ रहा है कि जो सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन है हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स को हम RBCs बोलते हैं, ठीक है। तो RBCs ऐसी एक संख्या है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ब्लड टू द गॉल ब्लैडर इज सप्लाइड बाय, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर जो कौन सी आर्टरीज है वो ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं कोरोनरी आर्टरीज, सिस्टिक आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज एंड कोलिक आर्टरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टिक आर्टरीज, ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द गिवन ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इनमें से जो कौन सा ऑर्गन है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। देखिए लंग्स भी इसके अंदर नहीं हो सकता, ब्रेन भी नहीं हो सकता, किडनी भी नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास स्प्लीन। स्प्लीन इसका जो क्या है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। दूसरी चीज़, स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs भी बोलते हैं, ठीक है। ये RBCs का क्या है, कब्रिस्तान है, कौन, स्प्लीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रिवर्स पेसमेकर ऑफ हार्ट इज, इसके अंदर ऑप्शन है SA नोड, AV नोड, परकिंजे फाइबर्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर बंडल। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि SA नोड क्या है, पेसमेकर है हमारे किसका, हार्ट का, ठीक है। तो AV नोड क्या है इसका, रिवर्स पेसमेकर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, कि लंग्स के अंदर कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी क्या है। ऑप्शन है हमारे पास 4.3 लीटर, 500 ml, 1200 ml, 1.5 लीटर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4.3 लीटर। बता दूं मैं आपको कि जो वाइटल कैपेसिटी है वो होती है द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स के द्वारा कितनी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हम एक्सपेल्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। दिस क्वेश्चन आंसर ब्लैकबोर्ड का सीधे पढ़े। डिस्कशन माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, कॉल आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइटल कैपेसिटी वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ स्पर्म प्रेजेंट इन ह्यूमन सीमन, जो ह्यूमन का सीमन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्पर्म हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शंस इसने दे रखे हैं, ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन इज 10 to 40 million per ml, 20 to 40 million per ml, 10 to 20 million per ml, एंड सेकंड ऑप्शन इज 12 to 10 million per ml। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 4200 ml per ml। ये क्या है हमारा नॉर्मल जो स्पर्म काउंट है वो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन अकर्स इन, जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन अकर्स इन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी जो सिंथेसिस है हमारी बॉडी के अंदर वो किस पार्ट्स के अंदर होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज सर्टोली सेल्स, नेक्स्ट इज इंटरस्टिटिकल सेल्स, नेक्स्ट ऑप्शन इज सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज पैराइटल सेल्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरस्टिटिकल सेल्स अकर्स इन टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। टेस्टोस्टेरोन इज ए सेक्सुअल हार्मोन, मेल सेक्सुअल हार्मोन। देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन और है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सक्लूसिवली जो मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, वो कौन सा है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन इज ए एक्सक्लूसिवली मेल सेक्स हार्मोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच हार्मोन प्रेजेंट इन दी यूरिन ऑफ हुमन इज ए प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा जो हार्मोन है वो प्राइमरी इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन्स, हुमन क्रोनिक गोनोट्रोपिन्स, नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीटॉक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हुमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये इनमें से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सबसे पहले एल्बो एंड नी जॉइंट ऑप्शन, शोल्डर एंड हिप जॉइंट, रेडियो एंड अल्नर जॉइंट, एंड एम्पीरो मैंडिबुलर जॉइंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शोल्डर एंड हिप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19, हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर पेन, लेबर पेन होता है प्रेगनेंसी के टाइम, उस टाइम कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है इंडक्शन पेन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एंड प्रोजेस्टेरोन्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑक्सीटोसिन, राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रोलैक्टिन इज सीक्रेटेड बाय, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो कौन सी ग्लैंड के थ्रू क्या है सीक्रेट होता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। आप लोगों को पता है कि पैनक्रियाज के थ्रू, पैनक्रियाज के अंदर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती हैं, बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं, और जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती हैं। तो इसका आंसर ये तो रहेगा नहीं। दूसरा एड्रिनल ग्लैंड, ये भी इसका आंसर नहीं रहेगा। थायराइड ग्लैंड भी यहाँ इसका आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि थायराइड के थ्रू T3 एंड T4 हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मेनली जो प्रोटीन हार्मोन्स उसका सीक्रेशन करता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे।